इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक मियोसिस। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं विल रिड्यूस टू हाफ। कैसे होती है? G1 पहले G1 फेस होता है, देन S फेस होता है जिसमें DNA रेप्लिकेट होता है, उसके बाद G2 फेस होता है इसमें, उसके बाद मियोसिस 1 होती है और उसके बीच में इंटरकाइनेसिस नाम का फेस आता है, थोड़ा सा गैप आता है, रेस्ट फेस आता है, थोड़ा सा इंटरकाइनेसिस होती है, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होती है। जैसे मियोसिस हमने माइटोसिस में जो सारी पढ़े थी ना, 5 स्टेप्स, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस, के बाद साइटोकाइनेसिस, ऐसे ही इसमें भी होती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में, और उसके बीच में एक फेस आ जाता है इंटरकाइनेसिस। ओके, तो 1 by 1 इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो प्रोफेस 1 जो है मियोसिस 1 में, आगे प्रोफेस 1 जो है ये एक मतलब बहुत बोल सकते हैं एक लॉन्ग टर्म फेस है एज कम्पेयर टू जो माइटोसिस का प्रोफेस था। इसमें अगले प्रोफेस 1 में लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टाइन, डाइप्लोटीन, डाइकाइनेसिस नाम के और जो है स्टेजेस आ जाती है। ओके, और उससे पहले मैं आपको रिडक्शनल डिवीज़न क्या है, मतलब कैसे, जैसे आपके पापा के पास 50 रुपये, पेरेंट के पास 50 रुपये होते हैं, देन एस फेस आता है तो डुप्लीकेट करता है ना, तो 100 है ना, 100 हो गए। तो अभी क्या होगा, दो बार मियोसिस होंगी तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, तो हर एक में कितना कितना आएगा, 50-50 भी नहीं आएगा, कितना आएगा, 25-25 आएगा, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। तो इसलिए ये एक रिडक्शनल डिवीज़न है, जितने पहले क्रोमोसोम्स थे उतने नहीं रहते, आधे हो जाते हैं। ओके ओके, तो प्रोफेस 1 में मैंने लैक्टोटीन में क्या होगा, मेनली कंडेंसेशन होगी, देन जाइगोटीन में प्रोटीन एक साइनेप्टोनेमल नाम का कम्प्लेक्स बनेगा। पेक्टाइन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, रिकॉम्बिनेशन। एंड डाइप्लोटीन में क्या होगा, वो जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था जो जाइगोटीन फेस में बना था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा और कैस्माटा बन जाएगा। और कैस्माटा कब बनेगा, कैस्माटा बन जाएगा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर डाइकाइनेसिस होगी, है ना। ओके, तो मियोसिस क्या करती है, मियोसिस एंश्योर करती है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड फेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जबकि फर्टिलाइजेशन जो है रिस्टोर करती है डाइप्लोइड फेस को। मियोसिस गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस जो है इन प्लांट्स और एनिमल्स क्या करती है, फॉर्मेशन करती है हैप्लोइड गैमेट्स की। ओके, जब गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स बनते हैं तब मियोसिस क्या करती है, फॉर्मेशन करती है हैप्लोइड गैमेट्स की। मियोसिस में दो सीक्वेंशियल साइकल्स जो है न्यूक्लियर डिवीज़न या फिर बोले सेल डिवीज़न में इंक्लूड होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन, DNA बट फिर भी एक बार ही रेप्लिकेट करेगा। मियोसिस 1 जो होती है वो शुरुआत होती है आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट एस फेस। और मियोसिस जो है उसमें क्या इन्वॉल्व होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होती है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, होमोलोगो क्रोमोसोम्स के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होती है। और 4 क्या बनते हैं, 4 सेल्स जो हैं, 4 हैप्लोइड सेल्स जो हैं मियोसिस 2 के एंड में हमें मिलते हैं। और G1 फेस, S फेस, G2 फेस, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1, साइटोकाइनेसिस होगी, फिर इंटरकाइनेसिस होगी, फिर मियोसिस 2 में भी सिमिलर ऐसे प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टेलोफेस 2, साइटोकाइनेसिस ऐसे चलेगा। ओके ओके, समझ आ गई यहाँ तक आपको। ओके, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि मियोसिस 1 जो मियोसिस के आगे 2 सब टॉपिक्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, 1 by 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे।